बलियापुर चौक स्थित बजरंग बली मंदिर में जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। कमेटी द्वारा मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया था तथा कृष्ण के बाल रूप को एक झूले में रखकर झुलाया जा रहा था। कार्यक्रम का उद्घाटन उपप्रमुख आशा देवी ने फीता काटकर तथा दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर उपप्रमुख आशा देवी ने कहा कि भगवान कृष्ण जन्म से ही अन्याय से लड़ते रहे और अत्याचारियों का नाश करते रहे। वे सर्वगुण संपन्न थे और उनका कथन भगवत गीता में संकलित है, जो जीवन का एक दर्शन है। मौके पर दिनेश पांडे और अजय सिंह ने कहा कि 32 वर्षों से यहां लगातार जन्माष्टमी महोत्सव को मनाते आ रहे हैं। इसके अलावा बलियापुर में स्थित राधा कृष्ण मंदिर में सुबह से ही भजन कीर्तन का कार्यक्रम जारी रहा। संध्या होते ही स्थानीय लोग वृद्ध जैन युवा वर्ग एवं श्रद्धालु मंदिर परिसर पर कृष्ण लीला एवं उनकी जीवनी पर गुणगान करते नजर आए। विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु भी पहुंचकर पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। देर रात 12 बजे कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। इस दौरान प्रसाद वितरण भी किया गया। आज जन्माष्टमी का पावन अवसर है और इसमें मैं सभी को शुभकामनाएं बधाई देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि यह जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाया जाए और सभी पर भगवान की कृपा बनी रहे। कोरोना काल का भी आप देख रहे हैं, लॉकडाउन होने की संभावना जताई जा रही है, ऐसे में राधे गोविंद से क्या कुछ कामना करते हैं? भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि कोरोना अगर आ रही है तो जिस तरह आ रही है उतनी जल्दी जाए ताकि लोगों में खुशहाली बनी रहे, कोरोना का भय जो है लोगों के मन से दूर हो जाए। महोत्सव मनाया जा रहा है, सबसे बड़ी बात है कि बलियापुर क्षेत्र में राधा कृष्ण का एक ही मंदिर और जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया जा रहा है, किस रूप में देख रहे हैं? क्या कुछ रुझान देखने मिल रहे हैं भक्तजनों का, चूँकि कोरोना काल में 2 साल बंद रहा है? 2 साल के बंद होने के कारण और ज़्यादा उदास उत्पन्न हो गया है सबको। भजन कीर्तन के जो स्थिति देखा जा रहा है, लग रहा है कि हाँ इस बार हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी माँ का त्यौहार मना कीर्तन का ग्रामीण वालों के लिए प्रकट करने का था। इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे सर? पूरे समाज के लिए, जो समाज में जो राजस्थान मंदिर में जो लोग श्रेय है सकते हैं।